गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। जो लोकेशन है वो है जेएलएन मार्ग की, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं डब्ल्यूटीपी। अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम निकल गए हैं आगे ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग लोकेशन पर पहुंचने के बाद आपके लिए एक छोटा सा फर्स्ट व्यू जो आप देख रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। सही वो भी डाल दो भाई, सही गिरा यार, ये लगे हुए लेकर टूट तोड़ के।
नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं अंशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे नए कमाल फ्रेश एपिसोड में और ये व्लॉग में, जिसमें आज हमने जो ट्रैकिंग की है वो जल महल से ऊपर के लिए की है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है अब तक की, जो कि मैं अभी काफ़ी अच्छा ऊंचाई तक हमने ट्रैक किया हुआ है। साथ में मेरे कई सारे दोस्तों ने ज्वाइन किया, जैसे कि आप राहुल, मुकुल और अनुज, जो कि पहले आ चुके हैं रिसेंटली में हमारे साथ ज्वाइन किया है, मिस्टर लक्ष्य भारद्वाज जो कि राहुल के क्लासमेट हैं, साथ में दोस्त। तो हे गाइस, आज जैसे कि हम ट्रैकिंग पर आए हुए थे तो कुछ अपने भाई बंधु पास के ही मिले हैं, तो अब मैं आपको उनको एक बार इंट्रो करा देता हूँ, वो भी एक बार डिटेल कर देंगे वो कैसे ट्रैकिंग करते हैं और कब से कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को आगे देखते रहिए। फर्स्ट, हाँ भाई, क्या नेम है आपका? भावेश, भावेश शर्मा। कहाँ से हो? मैं महारानी फार्म जयपुर। ओके, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो अभी? मैं लॉ कर रहा हूँ मणिपाल से। ओके, और रिसेंटली में ऐसे ट्रैकिंग पर आते रहते हो? संडे संडे हम निकल, मतलब जब जब मूड होता है, जब हाँ, दोस्त मिल जाते हैं, हाँ, तब तब ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट भाई से पूछते हैं। भाई आपका नेम? कार्तिक शर्मा। ओके, तो आप भी लॉ कर रहे हैं? नहीं, मैं बीटेक कर रहा हूँ जेपी नोएडा। ओके, तो आप भी साथ ही ज्वाइन करते? हाँ, हो साथ ही आते हैं। बिल्कुल, मास्क उतारते जाए। मैं ईशान, बीटेक कर रहा हूं। ओके, बीटेक कर रहा हूं मैं जेईसीआरसी से। ओके, गुड 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 भाई। हाँ भाई, सबसे ज्यादा स्मैल करने वाले हैं। साहिल, जेईसीआरसी से मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, लॉ कर रहे हैं आप, तो अलग अलग हो सारी सब जगह से, फिर भी एक साथ कैसे? नहीं, आसपास ही रहते हैं, जैसे सब दोस्त वगैरह हैं, ये भाई वगैरह हैं। ओके ओके ओके, दोस्त वगैरह हैं तो रोज साथ में ही आ जाते हैं ऐसे जाना। ओके, तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर राहुल और लक्ष्य दोनों ही लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं बॉनफायर जलाने के लिए। ये अनुज भाई वीडियो बनाते हुए, और ये मुकुल भाई क्या करने लग रहे हैं? आग जला रहे हैं। आग जलाने लग रहे हैं। और ये हमारे राहुल भाई अभी बर्तन धो के आए। और लक्ष्य भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और एंजॉय कर रहे हो? तुम्हारा क्या है? बस चल रही है व्लॉगिंग, सुबह की फ्रेश हवा, मेहनत हो रही है, कुछ और होता है। बस दिक्कत एक बात की रह गई यार, सूरज निकल नहीं पाया, बस इसी जगह निकलेगा। कब निकलेगा? चले जाएंगे तब निकलेगा क्या अनुज? राहुल भाई, ये बर्तन वगैरह धोके कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ खाएंगे तो भाई धोने भी पड़ेंगे। सही बात, एकदम सही बात, जब खाएंगे तो धोने भी पड़ेंगे भाई, लेके आए धोने भी हैं, फिर बनाना भी है। चाय, पैकिंग शुरू है, स्टार्ट है। अनुज क्या किया जा रहा है?
अनुज गाने चलाए जा रहे हैं, नेचर के साथ गानों का भी फील लिया जा रहा है। बिल्कुल भाई, गाने बहुत जरूरी हैं। मुकुल जो काम कैसा है यहाँ आके? और अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। वाह वाह, ये ना तो अपने मैगी बनेगी याद रखेगा। और ये आज की मैगी अमूल बटर के साथ में अर्ज है भाई, वादियों में शेयर किया जाएगा कि एक बार तो यूं होगा, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा। वाह वाह, ना दिल में कसक होगी, जुनून होगा। वाह वाह वाह, पीछे ना इसलिए करूंगा। तो ऐसे है कि इमारतें सलामत रही हमारी, वाह 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 वाह, छतों का कोई पता नहीं, वाह वाह, लिफाफे संभाले बैठे हैं, अरे अरे भैया बस बस, तुम्हारे खतों का कोई पता नहीं। अरे उनके लिए कि ये जो तेरा काला रंग है ना, फरिश्ते की खता है। वाह वाह, ये जो तेरा काला रंग है ना, फरिश्ते की खता है, फरिश्ते की गलती है। खूबसूरती सीरत की होती है, सूरत की नहीं। खूबसूरती सीरत की होती है, सूरत की नहीं। दिल बना रहा था कि शाही फिसल गई। अरे बाबा बाबा, गहराई तक जा रही है बातें। लड़ा रहा, कह रहा भाई, कह रहा भाई, इस मौसम में कहरी आ रहा है भाई। सुनो अनुज भाई, सुना दो। अर्ज किया है, अर्ज किया है, ये नामुमकिन है कोई मिल जाए तुम जैसा। बाबा बाबा, ये नामुमकिन है कोई मिल जाए तुम जैसा। बाबा लौटने की सुन रहे हो, पर ये इतना आसान भी नहीं, तुम ढूंढ लो कोई हम जैसा। बाबा बाबा बाबा, जैसे कि तिनका तिनका करके तोड़ी हालात ने मेरी हिम्मत। बाबा बाबा, फिर बची कुची हर फरियाद दबोच ली। क्या बाबा बाबा, बेजान से हो गए पौधे मेरी क्यारी के। क्या बात, जंगली वेलों ने कम्बक पूरी खाद नोच ली। अरे सॉरी, इस मटर ऑफ शिट एक्चुअली भाई, खाना मत इसको, ये उसको पकड़ा दे, भी पकड़ा दे। अबे कि यस, फिर कॉशियस बंदा हाथ हटाएगा थोड़ा सा। आज दिल में दर्द हो रहा है भाई, लिखा है कि तू जो आके खोले तो उजाला होता है, गलियां खिलने लगती है, नजारा ही कुछ और होता है। भाई, जो इश्क किया कुछ काम किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। अरे वाह, या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम किया। बाबा बाबा, ये गहराइयों तक ले जा रहे भाई, देखो इश्क निकल रहा पीछे। इश्क काम के आगे आता रहा, और काम से इश्क उलझता रहा, आखिर में तंग आकर के हमने दोनों को छोड़ दिया भाई। हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, मैगी तैयार है, ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म लड़कों के साथ गर्मा गर्म मैगी। हम बेसब्री से तो आइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। गरम गरम चला, अच्छा हुआ मीठे मीठे लड़कों के साथ नहीं बोला है। नहीं मीठे ये भाई, सारे लोग मैगी एंजॉय करते हुए, वो भी आके पास में, एकदम फॉगी मौसम हो रहा है और गर्मा गर्म मैगी तैयार है। तो आप भी हमारे साथ कभी एंजॉय करें इस मैगी को। ये अपने अपने गाड़ी वाले भाई साहब, ये हमारे लक्ष्य भैया, ये अपने कौन है भी तू मुकुल, ये अपने ब्लॉगर वाले भैया, और ये हमारे जवान है, ये हमारे जवान है, ये हमारे अनुज सर। तो मैगी तैयार है, बाकी सारे लोग मैगी एंजॉय कर रहे हैं भाई, खाने दे यार। लक्ष्य भाई, कुछ पेड़ अलग सा नहीं लग रहा है, गोल्डन सा कुछ अलग सा? हाँ ये थोड़ा कलर इसका डिफरेंट है, और ये आई थिंक नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। हाँ आई थिंक कुछ अलग ही है। बिल्कुल बहुत अलग है इसका कलर, और जो दिखने में इसका टेक्सचर बहुत समथिंग, हाँ अलग है। नहीं बताएंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स राहुल एंड ऑब्वियसली अनिल. सो मतलब ये जो एक्सपीरियंस था ये बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था. ऐसा लगा कि जयपुर में होते हुए एक अलग ही दुनिया में आ गए, अलग ही एडवेंचर है. हाँ, और मतलब ये जो व्यूज हैं यहाँ से आई थिंक एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक नेचर वाइब्स मिलती हैं और एक नेचुरल वाइब्स मिलती हैं, एक कि नेचर के इतने करीब आके फिर हम नेचर को करीब से देखते हैं तो एक इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि एक बार आकर देखें और देखें कि ये सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग आई कैन हैव इन द सिटी एंड दिस इज़ रियली ए डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू, कम्प्लीटली डिफरेंट. इतनी ऊंचाइयों पे आना और सच में एक अलग ही फील आती है जब आप नीचे से धीरे धीरे जाके ऊपर की तरफ चढ़ते हो. ऐसा लगता है कि कुछ अचीव कर लिया. सीरियसली आई वांट टू से कि सबको एक बार तो आना ही चाहिए. दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. Thank you, really, bhai, for explaining beautifully that join trekking next time, next Sunday. You can also join us. Our social media handles are description, so you can check out and DM. Thank you. तो आज जैसे कि मैंने बताया जल महल पे आए हुए हैं. ये ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रही है. यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, मैगी बनाई, साथ में हम कुछ सामान पैक्ड भी करके लेके आए थे, चाय भी हम लोगों ने बनाई इसमें, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एंजॉय किया. काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं. आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. हम जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रैक करेंगे तो आपको अपडेट्स दे देंगे, उसके थ्रू हमें आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे. और मेरे दोस्त पीछे बुला रहे हैं तो अभी चलते हैं, फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं. और जो आज की ट्रेल है काफ़ी ज़्यादा टफ है, लोकेशन काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़्यादा आपको ऊपर नीचे हाइकिंग करते हुए आना पड़ेगा. लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो आप अगर आना चाहें तो आ सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं. साथ में आज ज़्यादा फॉग है और सनराइज़ प्रॉपर नहीं हो पाया तो हम थोड़ा सा आपको व्यूज़ थोड़े कम दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जल महल जो इधर की साइड आता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आता है. और अभी हम ऊंचे नीचे ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं. साथ में कुछ दोस्त मेरे आगे चल रहे हैं, वो भी साथ में मजे करते हुए जा रहे हैं. और लक्ष्य भाई को थोड़ा ज्वाइन कराने में हमें मुश्किल हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इजीली कर लेंगे. और हम यूं जंगली पहाड़ों में से जाते हुए, यहाँ जंगली जानवर होने का खतरा है तो कृपया सावधानी से आए. और देखते रहें क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है. ये जगह सच में खतरनाक है. एक भाग आगे तरफ एंजॉय करते हुए उतर रहे हैं और बीच बीच में थोड़े पोज भी देते जा रहे हैं हमारे बियर ग्रिल्स की तरह. यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, आप सेफ्टी के साथ आए. और ये हमारे राहुल देव मथुरिया जी जरा छोटे पड़ गए. और पीछे से मिस्टर लक्ष्य पूरे बंदर की तरह छलांग लगाते हुए. बारी है छलांग लगाने की हमारे व्लॉगर साहब की. भाई एक घंटा लग जाएगा, बस निकल रहे हो गया. ये व्लॉगर भाई चढ़ गए. यो यो यो
अब हमारे मुकुल भाई की बारी है। बैग दे दे मुकुल, उसको बैग दे दे पहले। बैग दे दे मुकुल, उसको पहले बैग भाई है। क्यों बोल रहा है? सहयोग के साथ काम किया जाता है, हमें ज्वाइन करें। ऐसी जगह पे बिना सहयोग के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पूरी हो चुकी है, हम ऑलमोस्ट जलमहल के पास जाके पहुंच रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है तो बिकॉज फॉग ज़्यादा है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी प्लीजेंट है इंजॉय करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप इस मौसम में आ रहे हैं तो आ सकते हैं, ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है। को कंप्लीट करते हुए जाते मिस्टर अनुज, हिमांशु, लक्ष्य, राहुल देव मथुरिया और हमारे मुकुल ज्यादा थकान की वजह से थोड़ा जल्दी चले गए हैं। सिमरन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। क्या प्रेम देख रहे हो तुम? क्या फूल वूल दे रहे हैं आपस में? देख रहे हो कुछ और क्वालिटी के लोग लग रहे हैं मेरे को, कहीं ना कहीं शक हो रहा है सबको ही। ये कुछ जेंडर में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने में। में 10-15 साल से रह रहे हैं। बिल्कुल है ना। हाँ, हम अमेरपुर घूम लेते हैं, जयगढ़पुर घूम लेते हैं, नागरपुर घूम लेते हैं, बिरला मंदिर भी तक घूम लेते हैं, जितने मंदिर वगैरह। बिल्कुल इन जयपुर। बट ये जो प्लेसेस रहते हैं ना, हम ऑलवेज मिस आउट दिस प्लेसेस। बिल्कुल भाई है ना। हाँ, मैक्सिमम टाइम ज्यादातर लोगों के साथ यही है ना कि वो ऐसी जगह को छोड़ देते हैं। दोस्तों के साथ आते हैं फर्स्ट टाइम, बिल्कुल, या फैमिली वगैरह के साथ आते हैं। हाँ, तो हम ऐसी प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं जो ना तो आपने कभी देखी हो लेकिन आपका जाने का मन बहुत करेगा अगर आप ऊपर देखोगे तो। एडवेंचर फुल है इसमें। हाँ, जो मस्ती है वो फुल है। आप ये होगी मैं इधर घूमने आया हूँ ना। हाँ, तो इट वॉज वर्थ, इट वॉज मोर देन वर्थ। तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें हमारी टीम को, साथ में एंजॉय करें और चिल करें और वाइब्स का मजे लें, क्योंकि पार्टी चालू है। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छा और कर पाएंगे। तो छोटे भाई के लिए थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। थैंक यू। तो अभी जो लोकेशन है वो है जलमहल के सामने की। तो अभी जो रिसेंटली लोकेशन है वो है जल महल की। तो जो अभी आज ट्रैकिंग की थी वो हमने जल महल से ही स्टार्ट की थी, जो कि आप यहाँ से रास्ता कवर करते हुए जाओगे ऊपर ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे बैक जल महल के आप पीछे तक आप आओगे। तो आप इन फ्यूचर में अगर आना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आज हमारे भाई लक्ष्य ने हमें ज्वाइन किया और साथ में काफ़ी इंजॉय। तो ब्लॉगिंग ऐसे ही चालू रहेगी, तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।